नमस्कार और आप देखें पल पल। कोटा से भिवानी आए 40 बच्चे व अभिभावकों को क्वारंटाइन पर रखा गया। अस्पताल प्रशासन ने कोहानी में ही उन्हें बसें रोक करके क्वारंटाइन में रखा है। राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे हरियाणा के बच्चों को रोडवेज बसों में कोटा से भिवानी लाया गया। ऐसे बच्चे व अभिभावकों की संख्या 40 बताई जा रही है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। कोटा के विभिन्न विषयों में कोचिंग ले रहे छात्रों के परिजनों की बार बार मांग पर प्रशासन ने बच्चों को राजस्थान से भिवानी लाने की परमिशन दे दी। परमिशन के बाद आज रोडवेज की बसों द्वारा बच्चों को उनके अभिभावकों को तथा कोटा से देर रात को भिवानी लाया गया। वहीं भिवानी से 13 किलोमीटर की दूर पर ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। देर रात को ही उन्होंने सभी को एहतियाती के तौर पर क्वारंटाइन में रखा है। इनमें से अगर किसी के अंदर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। कोटा से आए हुए इन बच्चों की संख्या 40 बताई जा रही है, जिनमें 19 छात्राएं हैं तथा 11 छात्र हैं। महिला अभिभावकों की संख्या 8 है तो पुरुष और अभिभावकों की संख्या 2 है। वहीं डिप्टी CMO डॉक्टर हरेंद्र ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी छात्रों व अभिभावकों को निगरानी में रखा है। किसी को अगर दिक्कत होती है तो उन सभी का टेस्ट करवाए जाएंगे, सभी के सैंपल भी लिए जाएंगे और उसके बाद ही इन सभी को यहाँ से छुट्टी दी जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। अभी हम लोग लोहानी के क्वारंटाइन सेंटर में हैं। कल हरियाणा सरकार और भिवानी प्रशासन के प्रयास से कोटा से 40 बच्चों को यहाँ लाया गया है, जिसमें से 26 फीमेल हैं और 14 मेल हैं। आज हम उन सबका सैंपल लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इनके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो भी निर्णय लेगा, हमारे इंस्पेक्टर CMO जितेंद्र कात्यान जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश जी और प्रशासन उपायुक्त महोदय के निर्देश अनुसार उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि इन बच्चों को कब घर भेजना है।